स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर लेंस वाला हमने कंप्लीट करा दिया है। अब उसके न्यूमेरिकल लेते हैं। मैंने यहाँ पर तीन न्यूमेरिकल लिखे हैं, वन बाई वन करके मैं उनको सॉल्व करूँगा। और हर टाइप का यहाँ मैंने तीनों टाइप का क्वेश्चंस ले लिया है उत्तल अवतल लेंसों से। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप इनको देख करके इस एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उन्हें कम्प्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। लेंस के सामने 15 सेमी दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी एक अवतल लेंस है जिसकी हमको फोकस दूरी दी है और लेंस से वस्तु की दूरी दी है। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दी और लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है वो दे दिया है। तो लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी जो चित्र बन रहा है उसकी इमेज है वो कितनी दूरी पर बनेगी, वो हमें निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ सॉल्व इसको करेंगे। तो लेंस की फोकस दूरी यानी अवतल लेंस है, अवतल में सभी वैल्यू माइनस की जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी f इजिकल टू माइनस 30 सेमी फॉर सेंटीमीटर। अब लेंस से वस्तु की दूरी यानी अवतल लेंस से एक बारी लिख लिया हमने अवतल, तो पता लग गया कि लेंस कैसा है, हमारा अवतल है। क्वेश्चन में भी अवतल लेंस दे रखा है। तो लेंस से वस्तु की दूरी ये u होती है, तो u इजिकल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालनी है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। v फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही लेंस के सूत्र से, क्या होता है लेंस का फॉर्मूला, कल बताया था हमने इससे पहली वीडियो में, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजक्ल टू वन अपॉन एफ। वैल्यू पुट करेंगे, वन अपॉन वी तो हमें को पता ही नहीं है, माइनस वन अपॉन कितना है u की वैल्यू, माइनस के 15 इजक्ल टू वन अपॉन एफ कितना है, माइनस के 30। माइनस माइनस प्लस, तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन 15 इजक्ल टू वन अपॉन माइनस 30। साइड चेंज करिए, प्लस के 1/50 को 1/30 की तरफ ले जाते हैं, तो 1/v इजक्ल टू माइनस 1/30 माइनस 1/15 हो गया इधर। अब 30 और 15 का एलसीएम आ गया 30 बन जा 30 माइनस 15 टू जा 30, तो 1/v इजक्ल टू माइनस के 3/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस 3v इजक्ल टू 30, तो v इजक्ल टू 30/-3, यानी v की वैल्यू आपकी आ गई माइनस के 10 सेमी। लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि आवासीय प्रतिबिंब बन रहा है और अवतल लेंस है। अगर माइनस में आता है तो अवतल लेंस है और प्रतिबिंब हमारा आवासीय बन रहा है, और प्लस में आ जाता तो उत्तल लेंस होता और प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि लेंस कैसा है, उत्तल है या अवतल है। इसे नोट डाउन करें। फिर सेकंड क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इसको पहले नोट डाउन कर लें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, अभी अवतल था ये कैसा है, उत्तल है। उत्तल लेंस से वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी हमको u की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है हमको, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f इजिकल टू प्लस में लेंगे, मैंने ये बताया था प्लस और माइनस सिर्फ उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान कराता है हमको, तो कितनी है 20 सेमी, तो प्लस के 20। और वो ये कह रहा है
वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कब होगा? जब वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और वी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? क्या यू तो दोनों में नेगेटिव होता है, तो प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है वो बी इज इक्वल टू टू यू बन रहा है। अगर टू यू करेंगे तो कैसा आएगा? आभासी, क्योंकि यू माइनस का होता है, प्लस दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो क्या कर देंगे? माइनस टू यू। ये वास्तविक प्रतिबिंब बन गया हमारा। वी की वैल्यू कितनी हो गई? वी टू यू, दो गुना प्रतिबिंब। तो यू आप निकाल लीजिए आप कोई लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब देखो माइनस की प्लस में ही वैल्यू आएगी, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन वी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? वन अपॉन माइनस टू यू, माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन प्लस के 20। इसका एलसीएम 2u आ गया, एलसीएम कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन 20, दो और ये जुड़ के कितने हो गए? माइनस के 3 अपॉन 2u इज इक्वल टू वन अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2u इज इक्वल टू माइनस के 60, तो u इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30 सेंटीमीटर माइनस के। तो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा उस वस्तु को हमें? 30 सेमी की दूरी पर। क्वेश्चन में हमको सिर्फ यहीं तक पूछ रहा है वो, लेकिन अभी देखो हमने क्या था, v बराबर माइनस टू ही, हमको प्रतिबिंब की अगर दूरी निकालनी हो तो v क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू माइनस टू यू, तो v इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस के 30, और माइनस 30 माइनस टू हो गया तो प्लस के 60, प्लस का 60 का मीन्स क्या हो गया? अगर v की वैल्यू प्लस की बन गई, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है उसका? वस्तु से देखो दो गुना बन रहा है, u 30 है और v 60 आ रही है, तो दो गुना यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, और प्लस में वैल्यू आ रही है तो कैसा बनेगा? वास्तविक। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, पहले से नोट डाउन करें, फिर मैं अगला तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ लेंस की क्षमता हमको निकालनी है। यहाँ लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करेंगे, उत्तल लेंस की 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर प्लस के 25 लिखेंगे, क्योंकि लेंस हमारा उत्तल है और उत्तल में u को छोड़ के सभी वैल्यू प्लस की रहती हैं। तो लेंस की क्षमता हमको P निकालनी है, पावर ऑफ लेंस। तो P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ नहीं लगाएंगे इसमें, 100 अपॉन एफ लगाएंगे, क्योंकि फोकस दूरी हमको सेंटीमीटर में दे रखी है और फोकस दूरी मीटर में होती तो वन अपॉन एफ लगाते हैं हम। F की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन 25, तो कितनी आ गई? 4 डायोप्टर। इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो ग्रुप में डाल दें या मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें। ओके, थैंक यू।